पे 55 फाइव आएगा एंड ऊपर हमारा 55 फाइव आएगा तो वहाँ पे we so हम एक फर्स्ट क्लास हेलो गाइस वी आर वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम तुषार एंड आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर एट मुंबई सो फ्रेंड्स आज हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के दो थेरी लेक्चर एंड फोर क्वेश्चन पढ़े थे थेरी लेक्चर के पहले पार्ट में हमने सीखा था कि एट क्वार में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कैसे दिखा था सेकेंड पार्ट में हमने सीखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में रूल कौन कौन से होते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है तो हमें क्या लिखना है वो सब हमने पार्ट टू में कवर किया था ए डैश ए अल्फा बीटा ये सब क्या होता है उसके हमने नोट्स लिखने बोले थे ये दोनों पार्ट्स में हमने सब बेसिक कवर किया था उसके बाद हमने फोर क्वेश्चन कवर किए थे तो बेसिकली हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के दो थे लेक्चर फोर क्वेश्चन वो सब कवर कर लिए हैं आज हम फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो मिड पॉइंट के ऊपर होगा तो मिड पॉइंट का भी आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और एक चीज बताता हूँ आपको बेसिकली अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट लाइन सीखना है तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स आना चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट चैप्टर के पूरे डिटेल्स में वीडियो बनाया हूँ जाकर वो वीडियो देख लेना इंजीनियर ड्राइंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के प्लेलिस्ट देखना एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट लाइन के पहले दो वीडियोज़ देखना इससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मीन्स प्रोशन ऑफ स्टेट लाइन का अगर आपको सम करना है तो आपको प्रोयूशन ऑफ पॉइंट आना चाहिए एंड प्रोयूशन ऑफ स्टेट लाइन के थेरी लेक्चर एंड जो जो एक फर्स्ट क्वार्टर का जो जो डायग्राम होता है वो आपको निकलना आना चाहिए तो बस आपको प्रोयूशन ऑफ स्टेट लाइन का कौन सा भी सम आपको करने आ जाएगा तो चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन फिफ्थ स्टार्ट करते हैं ए लाइन पी क्यू 110 mm long has its midpoint M 20 mm above the HP and 15 mm in front of the VP. The front view and top view of line measure 70 mm and 90 mm respectively. Draw the projection of line if its end P is in the third quadrant and Q is in the first quadrant. तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि हमें क्वेश्चनों को पढ़ना कैसे है, हमें क्वेश्चनों को पढ़ना सीखना है, right? क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आना चाहिए उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में P एंड Q एक कौन से क्वारन में आ रहे हैं एंड uh, P डैश और P Q डैश क्यू ये एक्स वाला के ऊपर कब बनेगा नीचे कब बनेगा उसका क्वारन क्या होता है वो सीखने के लिए आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आना चाहिए एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो मैंने थेरी लेक्चर पढ़ाए थे कि ट्रू लेंथ किसको बोलते हैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू किसको बोलते हैं ओके okay. एंगल क्या होता है अल्फ़ा बीटा थीटा पाए ये सब एंगल क्या होता है वो सब मैंने थेरी लेक्चर में कवर किए थे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के तो चलिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट से पहले ये डिसाइड करते हैं कि पी डैश क्यू डैश पी क्यू एक्स वाले के ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा उसका क्वारन क्या होता है वो सब यहाँ पर सीखेंगे ओके okay. तो जैसे कि यह क्वेश्चन में दिया है कि ए लाइन पी क्यू वन वन जीरो एम एम लॉन्ग हैज़ इट्स मिड पॉइंट एम ट्वेंटी एम एम अबव द एच पी फिफ्टीन एम एम इन फ्रंट ऑफ द वी पी अबव एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ द वी पी अबव एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ द वी पी मीन्स ए फर्स्ट क्वार्टर का सवाल हुआ फर्स्ट क्वारन में फ्रंट व्यू हमारा ऊपर बनता है टॉप व्यू हमारा नीचे बनता है ओके okay. एंड फर्स्ट क्वार्टर में डैश वाला पॉइंट ऊपर बनता है एक्स वाला एन के विदाउट डैश वाला पॉइंट नीचे बनता है एक्स वा लाइन के फर्स्ट क्वार्रंट में अबव एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ बी पी मीन्स फर्स्ट क्वार्रंट ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से आपको सिखाया था तो जो एम डैश होगा वो ट्वेंटी एम एम अबव एक्स वा लाइन होगा एन एम होगा वो फिफ्टीन एम एम बिलो एक्स वाला होगा ओके तो पहले वो लिख लेते हैं हमें टी एल गिवेन है वन वन जीरो एम 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 डैश हमें गिवन है एम डैश इज़ ट्वेंटी एम एम अबव एच पी एम एज फिफ्टीन एम एम बिलो एक्स वाई ओके और पहले हमने लिख लिया है अब आगे बढ़ते हैं जो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू लाइन मेजर सेवेंटी एम एम एंड नाइनटी एम एम रिस्पेक्टिवली तो जैसे कि हमें ए मिड पॉइंट का समय तो हम उसका हाफ़ भी लिख लेंगे फ्रंट व्यू का हमारा लेंथ mm है वो सेवनटी एम एम एंड टॉप व्यू का हमारा लेंथ है वो नाइन्टी एम एम है ओके तो उसका हाफ होता है थर्टी फाइव एम एंड फोर्टी फाइव एम जो मिड पॉइंट का लेंथ होता है ओके okay? तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखेंगे उसके बाद ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इफ इट्स एंड पी इज इन दर्ड क्वार एंड क्यू इज इन द फर्स्ट क्वार पी हमारा थर्ड क्वार्रंट पे गिवन है हमारा जो लाइन है उसका जो पी है वो थर्ड क्वारन में गिवन है और थर्ड क्वार्डर में फ्रंट व्यू नीचे बनता है एक्स वाला इनके डैश वाला पॉइंट नीचे बनता है एंड विदाउट डैशलो पॉइंट ऊपर बनता है थर्ड क्वार्टर में मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में आपको पढ़ाया है ये सब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर क्या होता है ओके okay, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इंजीनियर ड्राॅइंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाओ एंड वहाँ पर प्ले चेक करो प्रोडक्शन ऑफ पॉइंट का पूरा कंसेप्ट आप पहले पढ़ लो ओके okay? तो थर्ड क्वार्टर में डैश वाला पॉइंट नीचे आता है फ्रंट व्यू का एंड टॉप व्यू का पॉइंट विदाउट डैश वाला वो, वो एक्स वाई लें के ऊपर आता है फर्स्ट क्वार्टर में ने Q is in the first quadrant. First quadrant में dash वाला point x वाल के ऊपर आता है without dash वाला नीचे आता है Means जो हमारा P third quadrant में तो P dash हमारा x वॉल के नीचे आएगा and P हमारा x वो के ऊपर आएगा Q हमारा first quadrant में Q dash हमारा x वो के ऊपर आएगा Q हमारा x वाला के नीचे आएगा तो ये basic concept है तो हमने summary में सब data पहले लिख लिया है क्वेश्चन हमें पूरा जो गिवन था डेटा में वो सब हमने लिख लिया है अब इसे सॉल्व करते हैं पहले एक्स वाई लाइन निकालेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक्स वाय लाइन निकाल लिया है अब एमडैश हमारा जो गिवन था एमडैश इज ट्वेंटी एम 20 mm अब एम अब एक्स वाई एम इज फिफ्टीन एमएम बिलो एक्स वो तो वो पॉइंट मार्क कर लेते हैं एम डैश और एम का तो जैसे कि आपको पता है कि फ्रंट व्यू हमारा फ्रंट व्यू का लेंथ हमारा सेवेंटी एमएम mm है टॉप व्यू का लेंथ हमारा नाइनटी एमएम mm है और ये हम मिड पॉइंट का सम सॉल्व कर दे तो उसका हाफ लेते हैं पहले फ्रंट व्यू हमारा 35 फाइव mm एम हो जाएगा 70 का हाफ़ 35 तो एक लाइन खींचते हैं और उसको Q2 टू डैश से डिनोट करते हैं वैसे ही टॉप व्यू हमारा 90 एम mm एम है 90 का हाफ हो गया 45 उसको Q1 से डिनोट करते हैं तो हमने डिनोट कर लिया है सब पॉइंट ओके okay? अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो सब हमें पहले ड्रॉ करना है पहले स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब ओके okay? तो हमें फ्रंट व्यू का पॉइंट मार्क कर लिया टॉप व्यू का पॉइंट मार्क कर लिया उस हिसाब से एम डैश एम अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रू लेंथ गिवन है अब ट्रू लेंथ हमारा है वन वन ज़ीरो एम एम तो वन वन जीरो का हाफ हो गया फिफ्टी फाइव एम एम तो हमें फिफ्टी फाइव एम एम पर एक लाइन खींचना है हमें ये पता नहीं है कि कौन से एंगल पर लाइन खींचना है तो इस समय में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है ओके तो जैसे कि मैंने आपको स्टेट के थेरी लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि टॉप व्यू को हम वर्टिकली ऊपर खींचेंगे तब हमें फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ मिलेगा ओके और हम जब फ्रंट व्यू को वर्टिकली नीचे खींचेंगे तब हमें टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिलता है ओके तो हम टॉप व्यू को वर्टिकली ऊपर खींचेंगे ओके उसके बाद ट्रू लेंथ जो हमारा 55 फाइव mm है हाफ वन वन जीरो का फिफ्टी फाइव तो फिफ्टी फाइव से एक कंपास से लाइन करेंगे मार्क करेंगे एक जो हमें पॉइंट मिलेगा वो हमारा ट्रू लेंथ का पॉइंट होगा वैसे ही फ्रंट व्यू को निकालने के लिए सॉरी उस टॉप व्यू का ट्रू लेंथ निकालने के लिए हम फ्रंट व्यू से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नीचे खींचेंगे फिर एम से हम फिफ्टी फाइव में पर एक आर्क मार्क करेंगे तो उसके बाद हमें टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिलेगा तो बेसिकली जो जो क्वेश्चन में गिवन था हमने सब निकाल लिया एम डैश एम टॉप व्यू फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ ये सब हमने पॉइंट निकाल लिए हैं अब अगर आपने थेरी लेक्चर या प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के पहले चार लेक्चर नहीं पढ़े तो बेसिकली आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको पहले वो बेसिक क्लियर करने है और उसके बाद मिड पॉइंट का सम आपको सॉल्व करना है ओके okay? पहले बेसिक करना है फिर मिड पॉइंट का सम आपको सॉल्व करना है तो बेसिकली अब क्वेश्चन को आगे खींच खींचते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम हो गया है अब इसका बाकी का आ, सब पॉइंट निकलते हैं ओके okay? तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रक्चर डायग्राम से हम जब सॉल्यूशन जब इसका निकालेंगे तब हमें पहले लोकस मार्क करना है लोकस इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट ओके तो हम फ्रंट व्यू का लोकस पॉइंट निकाल लेते हैं लोकस ऑफ क्यू डैश टॉप व्यू का लोकस निकाल लेते हैं लोकस ऑफ क्यू वो लोकस पॉइंट निकालना लोकस का लाइन निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकस के लाइन पर ही फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ एंड फ्रंट व्यू का पॉइंट आता है या टॉप व्यू ट्रॉप व्यू का ट्रू लेंथ का पॉइंट आता है लोकस के लाइन पर ही ओके अब हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है तो जैसा कि आपको पता है कि <coughs> हमें लोकस लाइन मिल गया है फ्रंट व्यू का जो लोकस लाइन होता है उसके ऊपर ट्रू लेंथ का पॉइंट आता है एंड फ्रंट व्यू का भी पॉइंट आता है ओके तो अब अब हम फ्रंट व्यू का जो लाइन है उसको वर्टी उसको विथ एम डैश एज ए ओरिजिन हम उसको रोटेट करेंगे तो लोकस पे जो पॉइंट मार्क होगा वो हमारा फ्रंट व्यू का पॉइंट होगा तो लोकस पे जो हमने पॉइंट निकाला है फ्रंट व्यू का पॉइंट है ओके okay. तो हमारा फ्रंट व्यू है थर्टी फाइव एम एम तो थर्टी फाइव ऊपर बनाएंगे थर्टी फाइव नीचे बनाएंगे डन उसके बाद टॉप व्यू हमारा फोर्टी फाइव एम एम टॉप्यू हमारा फोर्टी फाइव एम एम लिखा है हाफ़ उसका तो उसको विद एम एज अ ओरिजिन उसको रोटेट करेंगे विद द लोकस क्यू तक जो हमें पॉइंट मिलेगा उससे हम टॉप का मार्क करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि एम से यहाँ तक क्यू तक 45 होगा एंड उसके ऊपर 45 होगा क्योंकि मिड पॉइंट से हम सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली हमने पी डैश और पी का पॉइंट निकाल लिया है ओके अब हमें आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिल गया हमें अब जैसे कि आपको पता है फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिल गया है हमें अब हम लोकस लाइन खींचते हैं पी का लोकस लाइन खींचेंगे और पी डैश का लोकस लाइन खींचेंगे फ्रंट टॉप व्यू के पॉइंट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आते हैं ट्रू लेंथ के पॉइंट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं यह हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सीखा फ्रंट टॉप व्यू के पॉइंट पी डैश और पी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आते हैं एंड ट्रू लेंथ के पॉइंट ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं तो पी डैश और पी के पॉइंट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन खींच लिया उसके बाद लोकस ऑफ पी लोकस ऑफ पी डैश हमने वहाँ पर खींच लिया अब हमें ट्रू लेंट को पॉइंट एक्सटेंड करना है जैसे कि वो पता है ट्रू लेंट वन वन जीरो है यहाँ पे हमने फिफ्टी फाइव एम एम लिखा है तो यहाँ पे फिफ्टी फाइव एम एम आएगा एंड ऊपर हमारा फिफ्टी फाइव एम एम आएगा तो वहाँ पे हम एक लाइन निकाल लेते हैं तो बेसिकली पूरा डायग्राम ऑलमोस्ट हो चुका है नामकरण कर देना नामकरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोकोसॉप पी डैश लोकोसॉ पी पी वन डैश पी टू पी पी डैश एम डैश एम क्यू क्यू टू क्यू डैश क्यू वन डैश वो सब लिख देना Q2- टू डैश क्यू वो सब लिख देना क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बाद हमें एग्जाम में एरो दे देने हैं एरो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो बेसिकली हमने सब कुछ निकाल लिया है मिड पॉइंट का सम आता था हमें क्या करना है वो भी हमने निकाल लिया है जो फ्रंट व्यू का हाफ होता है एम डैश और क्यू टू डैश उसको हम रो आ, रोटेट करना होता है तो बेसिकली वो चीज़ ध्यान में रखना जो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम फोर क्वेश्चन का किए थे ये मिड पॉइंट का हमने सम सॉल्व किया है मिड पॉइंट में बस जहाँ पे मिड पॉइंट होता है वहाँ से हमें रोटेट करना है बस इतना चीज़ ध्यान में रखो जहाँ से मिड पॉइंट होता है वहाँ से हमें रोटेट करना होता है उसके बाद हाफ इधर हाफ उधर उतना ही कंसेप्ट है मिड पॉइंट में जो हमारा नॉर्मल सम होता है उसमें हम डायरेक्ट लाइन खींचते हैं मिड पॉइंट में बस हाफ लाइन लेना है और हाफ नीचे लेना है उतना ही कंसेप्ट है और क्वेश्चन में हमें दिया था कि P थर्ड क्वार्टर में तो एक्स वाले के नीचे P डैश आएगा एक्स वाले के ऊपर P आएगा फ्रंट व्यू का पॉइंट है P डैश एक्स वाल के नीचे आता है टॉप व्यू का पॉइंट है P वो एक्स वाले के ऊपर आता है Q हमारा फर्स्ट क्वार्टर में तो Q डैश हमारा ऊपर आएगा Q हमारा नीचे आएगा Q डैश फ्रंट व्यू का पॉइंट है ऊपर आएगा एंड Q एक्स वाले के नीचे आएगा जो फर्स्ट क्वार्टर में है ये फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर का फंड है यही फर्स्ट क्वार्टर का फंड है तो ये चीज़ ध्यान में रखना और नीचे रिजल्ट लिख देना तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम सो गाइस लेट्स होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको करना है लाइक ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको करना है कमेंट अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको करना है सब्सक्राइब क्योंकि आगे भी मैं इंजीनियर ड्राइंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोज़ आपको देने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम